राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस में घमासान थमता नहीं दिख रहा। लगातार जारी बयानबाजी के बीच ये साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि राज्य में उपचुनाव पूरे होने से पहले और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहां आने के दौरान पार्टी में फिर बवंडर हो सकता है। कुछ दिनों पहले सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत की तुलना गुलाम नबी आजाद से करके सियासी तंज कसे थे। फिर गहलोत ने भी पायलट को जवाब दिया था। विजय बेसला की धमकी के बाद बेसला और धर्मेंद्र राठौर की फोटो का वायरल होना अंदरूनी कलह की ओर हवा दे रही है। सबसे विचित्र नजारा तो सरदार शहर में देखने को मिला, जब कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही गायब रहे। ये सब नजारे कांग्रेस की गुटबाजी और आपसी घमासान के बाहर आने के संकेत दे रही है। राजस्थान प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे की पेशकश के बाद प्रदेश कांग्रेस में बगावत के संकेत दिए गए हैं। माकन ने ऐसे वक्त पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा जब उपचुनाव प्रक्रिया जारी है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इन दोनों अहम कार्य कर्मों के बीच एक बार फिर पार्टी की आपसी गुटबाजी सड़क पर आ सकती है। अजय माकन कांग्रेस आलाकमान से भी नाराज है। उनकी ओर से की गई शिकायत के बाद भी अब तक केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के उन तीन नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं की जिन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस दिया गया था। पिछले चार साल में जितने भी उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं उस सब में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मौजूद रहे हैं। जुलाई 2020 के बाद होने वाले सरदार शहर उपचुनाव के दौरान मनोज मेघवाल के नामांकन के दौरान गहलोत और पायलट दोनों मौजूद थे। पिछले साल हुए वल्लभ नगर और दरियावद में हुए चुनाव के दौरान भी गहलोत और पायलट एक ही हेलीकॉप्टर से नामांकन रैली में गए थे। हालांकि इस बार कड़वाहट बाहर निकलकर आ गई है। टोंक दौरे से लौटने के बाद सचिन पायलट जयपुर आ गए लेकिन सरदार शहर नहीं गए। पायलट की गैर मौजूदगी सियासी चर्चाओं का विषय बन गई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट फिर से बगावत करने जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस की आंतरिक कलह के बीच शुक्रवार 18 नवंबर की शाम 5 बजे अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच रहे हैं। रात्रि विश्राम दिल्ली में ही होगा और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान अशोक गहलोत सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़के से मुलाकात करेंगे। राजस्थान के हालातों को लेकर पूरी चर्चाएं करने के आसार है। AICC की ओर से एडवाइजरी जारी की हुई है कि कांग्रेस का कोई भी नेता पार्टी विरोधी बयान नहीं देंगे। इसके बावजूद भी पायलट समर्थक विधायक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इन सभी गतिविधियों के बारे में कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट पेश की जा सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है लेकिन कांग्रेस ने अभी तक रूट चार्ट को फाइनल नहीं किया है। हालांकि पिछले सप्ताह ये बताया गया कि झालावाल कोटा होते हुए अलवर जाएंगे, इससे आगे के रास्ते पर मंथन हो रहा है। इस बीच ये खबरें भी आई है कि राहुल गांधी की यात्रा के रूट में बदलाव किया जा रहा है। कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के पुत्र विजय सिंह बेसला ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए यात्रा को राजस्थान की सीमा नहीं घुसने देने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए यात्रा का रूट जयपुर होकर करने का विचार किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।